मंडलीय टास्क फोर्स की बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने जेई एईएस वेक्टर जनित रोगों को बचाव की तैयारियों, कार्य योजना के अनुरूप संपादित गतिविधियों सहित संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर मंडलायुक्त ने कहा कि सभी सीएचसी, पीएचसी, जिला चिकित्सालय में उपचार की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए तथा इंसेफ्लाइटिस बीमारी के कारक, लक्षण एवं उसके बचाव के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाई जाए ताकि जनमानस इस भयावह बीमारी से बच सकें। उन्होंने सीएचसी जिला चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से सीएचसी का भ्रमण करते रहें तथा यदि वहां कोई कमी हो तो जनहित के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की उपस्थिति अत्यावश्यक है। मंडलायुक्त ने कहा कि किसी भी जिले में मरीज के उपचार में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इलाज के अभाव में किसी मरीज की मौत ना होने पाए, यदि ऐसा पाया जाता है तो सीएमओ, एडी हेल्थ जिम्मेदार होंगे। मंडलायुक्त ने कहा कि सभी आशा इंसेफ्लाइटिस प्रभावित गांवों में घर घर जाकर प्रत्येक परिवार के मोबाइल नंबर एकत्रित करें तथा मोबाइल डाटाबेस तैयार किया जाए जिससे सत्यापन किया जा सके। बैठक में अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, एडी हेल्थ पुष्कर आनंद, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी सहित मंडल के सभी जिलों के सीएमओ और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और कोई है टाटा से भी है, और कोई जिनको चालू सीएमओ है, कौन है, कुशीनगर, कौन महाराजगंज और देवरिया, और आप डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है यहाँ। और जो ये हमारी इसका माइक्रो प्लान आने की बात है तो डीएम सर ने बैठक में स्ट्रिक्टली करा था, तो अब माइक्रो प्लान बिल्कुल टाइमली और डिटेल है। हमारे रेफरल ठीक से नहीं कर रहे सर, प्लान ये है कि गगा में है, हमारे पिपरौली में है और चौरी चौरा में है, उसके बाद भी नहीं होता तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 17 मिले यहाँ पे पी एस यू है यहाँ भेजें। पर मैं देख रहा था कि पिछली बैठक में मैंने समीक्षा की थी अपनी, तो 12 केसेस हुए हैं जिसमें से आशा ने रेफर ही नहीं किया, डायरेक्टली बीआरडी चले गए। सो बेसिकली जो मुझे प्रॉब्लम्स, मतलब मैं भी सोचा था कि यही प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आप वे सब तीन जगह, एक आप गांव से पीएचसी या सीएससी या एसएससी में लाना है, दूसरा वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिफर करना और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज करना, ये तीन आपके लिंक हैं। इसमें जो लास्ट के दो लिंक हैं उस पर मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। उसमें से एक चीज़ कहना है कि पीएससी और या आपका जो नीपू है या पीपू है, आप जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिफर कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं, एक लास्ट वाला लिंक मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं 1.5 साल चिकित्सा शिक्षा विभाग में था, तो बीआरडी की कंप्लेन आती थी। इनफैक्ट जब बीआरडी वाली वो घटना सप्ताह में हुई थी, मैंने हुआ था मेडिकल, मतलब मैंने जब ज्वाइन किया होगा बस प्राइमरी गेट, तो वो अभी भी वीक है और उस पर हमें काम करने की जरूरत है। जहाँ तक पार्टनर एजेंसीज का सवाल है, उनके अपने रिसोर्सेज लिमिटेशन है, लेकिन उसमें क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। नंबर 2 अवेयरनेस पर बात हो गई, हम 2 चीज़ और ऐड करना चाहते हैं। कौन एजेंसी करेगा देख लीजिए, हम यहाँ चाहते हैं और इन लोगों को उसको बताओ, बोला जाना चाहता है।